चलो ठीक है अंकिता, मैं निकलता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि आज मम्मी और बड़े भैया भी आ रहे हैं गांव से, तो उनके लिए खाना वाना बना देना। भैया कह रहे हैं कि शहर में अब रहेंगे, जॉब वगैरह यहीं करेंगे, इसलिए बबलू भैया खाना वगैरह बना देना, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस से। हाँ हाँ भैया बना दूंगा। देखो मीम साहब, ज्यादा बोलो मत, और वैसे पसंद करता हूँ मैं आपको, और ये सब ऐसी थोड़ी ना बोल रहा हूँ करने के लिए, बदले में कुछ पैसे दे रहा हूँ ना, और आपको करना ही क्या है, सिर्फ सोना ही तो है मेरे साथ। बबलू भैया ये पैसे कहाँ से आए इतने सारे, क्या बोल रहे हो ये सब? अरे रखो ना इसे, और ये भैया भैया बोलना ना बंद करो। हाँ माना कि नौकर हूँ इस घर का, भाभी पे नजर डालना गलत बात है, लेकिन बदले में पैसे भी तो दे रहा हूँ ना आपको, और कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से सोच लो उसके बाद सो जाना। प्रिंस वापस तो नहीं आ गए, मैं देखती हूँ। माँ आप और देवर जी आप? हाँ ये कैसे कपड़े पहने हैं छोटे छोटे? घर पे थी ना तो इसीलिए। ये नया नौकर रख लिया? हाँ वो पुराने वाला गांव चला गया ना तो नया नौकर रख लिया। बबलू भैया देख भैया या कुछ नहीं होता है, नौकर है तो नौकर बुलाना, भैया भैया क्या लगा रखा है। आ जा बेटा, ये कैसा नौकर रखा है, सारे घर में तो गंध मचा हुआ है, ये कैसा सफाई कर रहे हो तुम, ठीक से साफ करो। कोई बात नहीं माँ कर लेगा ठीक से, अब आइए ना बैठिए। ये क्या छुपा रही हो तुम उससे? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं छुपा रही। अरे बता ना कुछ तो है, क्या छुपा रही है दिखा। मैं क्या छुपाऊंगी माँ, कुछ नहीं है। अरे इसे क्या हो गया अंकिता, इसे क्या हो गया? कुछ नहीं माँ जी, वो पैर फिसल गया था। ठीक से सफाई नहीं करेगा तो ऐसे पैर फिसलेगा, पानी भी तो तूने ही गिराया ना। अंकिता खाना बन गया क्या? नहीं। एक काम भी ढंग से नहीं करता, अभी तक खाना भी नहीं बना, चल जा जाके खाना बना। जी आंसी अभी बनाता हूँ। माँ आइए ना आप बैठिए। माँ वैसे आप लोग अचानक कैसे आ गए? क्यों मेरा आना पसंद नहीं आया क्या तुझे? अरे नहीं वो बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। माँ आपकी तबीयत कैसी है? मैम साहब एक मिनट रुकना, पैसे क्यों निकाले? अब ये पैसे ना तुम्हें जब मिलेगे, जब तुम्हारी सास मेरे से माफी मांगेगी, इसने मेरे को थप्पड़ कैसे मारा? क्या बकवास है ये बोल रहा हूँ, चुप कर। देख लो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें मेरे साथ सोना है ना तो ये पैसे मिल जाएंगे, चलो मेरे साथ अंदर अभी दे दूंगा पैसे। मेरी सास और देवर आए हैं, इनके सामने कैसे जा सकती हूँ? ठीक है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हारी सास को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, तो बता दूं उसे कि ये पैसे मैंने तुम्हें दिए थे अपने साथ सोने के लिए, फिर तो चलोगी ना? प्लीज इन्हें कुछ मत बताना, तुम पता है ना शादीशुदा हूँ मैं, इनको पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी सास को सब कुछ बता दूंगा। बहू ये क्या फुसफुसा के बातें कर रही हो नौकर के साथ? कुछ नहीं माँ जी, वो तो मेरे रूम बहुत गंदा पड़ा है ना, तो मैं कह रही थी कि साफ कर दो, और कपड़े भी धुलने में जाने, वही सब मैं देकर आती हूँ। सुन तूने मुझे पागल समझा है क्या? मैं सारी बातें सुन ली तुम दोनों के बीच में क्या हुई। कैसी बातें माँ? तू एक नौकर को पसंद करती है? माँ भी क्या बोल रहे हैं, सब थोड़ी कुछ होगा माँ, आपको गलत फहमी हुई है। अरे मैं मजाक कर रही थी, तुझे क्या लगा मैं सच बोल रही हूँ, चल जा जाके काम करवा ले। और हाँ सुन ज्यादा छूट देने की जरूरत नहीं है, ठीक से काम करवाना। हाँ माँ आप भी ना कैसे मजाक करती हैं, मैं जाती हूँ। अच्छा ठीक से काम करवाना। क्या था बबलू तुमने पैसे क्यों निकाले? अच्छा पैसे ना निकालता तो क्या करता, तेरी सास की हिम्मत कैसे हुई मेरे को थप्पड़ मारने की,
हैं? ऐसे मत बोलो, सास है वो मेरी। अच्छा सास है तो थप्पड़ मारेगी मेरे। अब ये पैसे ना तेरे को जब मिलेगे, जब तू मेरे साथ सोएगी, वरना भूल जा इन पैसों को। देख मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मुझे तेरे साथ सोना है, या तो चुपचाप मान जा, वरना मेरे को ना जबरदस्ती करनी भी आती है। अगर तू प्यार से नहीं मानी ना, तो इस तरीके से तो तू माने। तुम्हारी हिम्मत कैसे? दो कौड़ी के नौकर, तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने चले थे? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? अरे ये शोर कैसा है, क्या हुआ? ठीक है ना माँ, ये नौकर मेरे साथ क्या कर रहा था? मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो पहले से इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे, तू ही बड़ा भैया भैया बोल रही थी इसे। अच्छा इतनी देर से मेरे को सुनाया जा रही है, एक बार अपनी बहू से नहीं पूछेगी कि इसे पैसे क्यों चाहिए थे? माँ ये कुछ भी बोल रहा है, आप खुद सोचिए, मैंने तो आपको साफ साफ बता दिया कि ये मुझे पैसे दे रहा था। अगर मुझे ये पैसे चाहिए ही होते तो मैं आपको क्यों बताती? मुझे तो तुझ पे भी शक हो रहा है, तुम दोनों की जरूर कोई मिली भगत है। अगर तेरी गलती नहीं है तो अभी इसी वक्त इस नौकर को धक्के मार के बाहर निकाल दे। और ये इतने पैसे तेरे पास आए कैसे? अच्छा तो इसमें आपको मेरी गलती लगती है आंटी जी? अरे माना कि मैं 3-4 हजार रुपए कमाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हो सकते। इन सब के लिए ना मीम साहब ने मेरे को बोला था कि तू पहले धीरे धीरे करके अच्छे पैसे जोड़ ले, और जब तेरे पास 50-60 हजार रुपये हो जाए वो पैसे मेरे को दे दियो, और उसके बदले में मैं तेरे साथ सोने के लिए राजी हो जाऊंगी। और आज जब मेरे पास ये 50 हजार रुपये हो गए और मैं मीम साहब के पास आया कि मीम साहब ये पैसे रखो और बदले में मेरे साथ सो जाओ, तो आज ही अपनी जबान से पलट रही है, उल्टा मेरे को फंसवा रही है कि ये पैसे मैं इन्हें पता नहीं क्या क्या, देखो ना अब इसमें मेरी क्या गलती है। माँ ये सब झूठ बोल रहा है, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, आपको लगता है मैं ऐसे काम कर सकती हूँ? और मुझे क्या पड़ी है इससे पैसे लेने की, आप लोग मुझे इतना खुश तो रखते हैं, सब कुछ तो है हमारे घर में, फिर मैं एक नौकर से पैसे क्यों लूंगी? देख अंकिता, तू भी कोई सती सावित्री नहीं लगती मुझे, अगर इतनी सती सावित्री होती ना तो मेरे साथ गांव में रहती, भाग के यहाँ अकेले प्रिंस के साथ नहीं चली आती। माँ बस करिए, आप ऐसे कैसे आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत हो गया आपका, चले दीजिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला, प्रिंस आएंगे ना वही इस बात का फैसला करेंगे। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ कि प्रिंस के साथ अकेले जाके ना चाहे जो मर्जी वो करेगी, छोटे छोटे कपड़े पहन के। और सुन मुझे क्या पड़ी है, मैं तो अपने गांव चली जाऊंगी वापस, जो भी तेरा मन करे ना, अगर तेरा इस नौकर के साथ मुंह काला करवाने का मन है ना तो करवा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आने दे प्रिंस को, वही फैसला करेगा। अरे मीम साहब इस हाथों का इस्तेमाल मारने के लिए क्यों कर रही हो, इन्हें तो चूमने का मन करता है। और एक बात बताऊं, अब तो मेरा रास्ता और भी ज्यादा आसान हो गया, जो तुम्हारी माँ को जो पता चल गया। अब एक काम करते हैं ना, जब तुम्हारी माँ को पता ही चल गया तो सो जाओ ना मेरे साथ, वैसे भी अब उनसे क्या डरना। शर्म कर लो, अरे मेरी सास को सब पता चल गया, पता नहीं क्या सोचती होगी मेरे बारे में। हाँ तो क्या हो गया फिर, सास को पता चल गया तो, अभी सास को पता चला है, हो सकता है कि शाम को तुम्हारे पति को भी पता चल जाए। अब मेरा खामा कहीं नुकसान हो, इससे बढ़िया एक काम करते हैं ना, चलो 50 छोड़ो, मैं तुम्हें ना पूरे 1 लाख रुपए देता हूँ, अब तो राजी हो ना मेरे साथ सोने के लिए। 1 लाख है तुम्हारे पास? अब सोचो ना, जिसके पास 50 हजार रुपए हो गए उसके पास 1 लाख रुपए भी तो हो सकते हैं ना। पर तुम बाद में मुकर गए तो? मैं अपनी जबान से बिल्कुल नहीं मुकरूंगा, पर तुम मत मुकर जाना। ठीक है पैसे दो, पर अभी तुम बाहर जाओ काम करो। बहुत बढ़िया, ए नौकर तुझे मेरी बहू के साथ सोना है ना, ये ले पकड़ 10 हजार रुपये, अच्छा सो जा जाके। लेकिन आंटी जी आप अपनी बहू के साथ मेरे को सोने के लिए ये पैसे क्यों दे रही हो? अच्छा तू जब पैसे दे के सो रहा था तो बहुत अच्छा, और मैं दे रही हूँ तो सवाल जवाब, मैं जितना कहती हूँ ना बस उतना कर, ये पैसे पकड़ और जा उसके साथ सो जा। अरे नहीं नहीं आंटी जी बात वो नहीं है, लेकिन मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप मेरे को अपनी बहू के पास सोने के लिए क्यों भेज रही हो। है कोई कारण?
तुझे जाना क्या जरूरी है? तू क्यों जाना चाहता है? बस मैं जितना कह रही हूँ ना उतना कर। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई। अगर आपको मेरे को अपनी बहू के साथ ही सुलाना था तो आपने जब मेरे को चाटा क्यों मारा? आप जब भी तो बोल सकती थी ना। लोगों को दिखाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, समझे? फिलहाल मैं जितना कह रही हूँ ना उतना कर। ये पकड़ पैसे और जा, जाके सो जा उसके साथ। ठीक है, जब सामने से ही परमिशन मिल रही है तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो वैसे भी आपकी बहू के साथ सोना ही चाहता था ना, और बदले में उसे 50,000 रुपये भी दे रहा था। अब यहाँ से तो और ही अच्छा हो गया। आपने खुद बोल भी दिया सोने के लिए उसके साथ, और 10,000 रुपये भी दे दिए। ठीक है, मैं जाता हूँ उसके पास। जा, ज़्यादा बकवास मत। ये लो, ये तो अच्छा ही हो गया। तुम्हारी सास ने ना मेरे को खुद परमिशन दे दी तुम्हारे साथ सोने के लिए, और पता है तुम्हें, बदले में ये 10,000 रुपये भी दिए। अब तो मेरे मजे ही आ गए। अब देखो ना, जिस मर्जी टाइम ना मैं तुम्हारे साथ जो मर्जी कर सकता हूँ, और तुम चाहकर भी ना कुछ कर नहीं सकती। आखिरकार तुम्हारी सास ने जो मेरे को परमिशन दे दी है। माँ किसे मान गई? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो ना। मतलब कि तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, होता है। वो क्या है ना, जब अपने अपनों के साथ ये सब करते हैं ना, शक तो जाता ही है। पर कोई बात नहीं, इसमें मेरा तो फायदा ही है ना। अब देखो, तुम्हारी माँ ने मेरे को पैसे भी दे दिए, और तुम्हारे साथ सोने के लिए भी बोल दिया। तुम टाइम की वेस्ट कर रहे हैं। चलो ना। हाँ छोड़ो, मेरा ना पति है, उसे कैसा लगेगा ये सब हरकतों के बारे में? अच्छा, तो तुम्हें इतना वो हो रहा है? अगर तुम इतनी पति वाली होती ना, तो तुम कुछ पैसे देकर मेरे साथ सोने के लिए राजी ना हो जाती। अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो कोई बात नहीं, बाहर जाकर अपनी माँ से पूछ लो कि उसने मेरे को तुम्हारे साथ सोने के लिए क्यों बोला है, और ये पैसे क्यों दिए। शायद फिर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास आ जाए, और तुम मेरे साथ सोने के लिए राजी हो जाओ। माँ, 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 क्या हुआ? क्या बकवास है? ये कह रहा है कि इसने, आपने इसको बोला कि मेरे साथ सो जाए। ये क्या बोल रहा है? मैंने तुझे कब पैसे दिए? पहले गलत काम करते हो, फिर दूसरे को बदनाम करते हो। देख, अगर फालतू बोलोगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मेरी बहू को फालतू मत भड़काया करो तुम। आंटी, आपने मेरे को थप्पड़ मारा? आपने ही तो बाहर बोला था ना कि अंदर जाके मेरी बहू के साथ सो जाओ, और बदले में 10,000 रुपये भी दिए थे। देख अंकिता, मैंने तो उससे पहले ही कहा था कि ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसे अभी के अभी धक्के मार के घर से निकाल दो। लेकिन तूने तो मेरी सुनी नहीं ना। ये ना हम दोनों के बीच में ना गलत फहमी पैदा करना चाहता है। माँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इस घर में हो क्या रहा है, क्या क्या बोली जा रहे हैं लोग। एक काम करिए, प्रिंस को आने दीजिए, अब वो इस बात का फैसला करेंगे। देखो, अब मेरे को कोई बताएगा कि मेरे को इसके साथ सोना है या नहीं? इधर से आप मेरे को पैसे देती हो इसके साथ सोने के लिए, फिर आप पलट जाती हो। अब इधर से मैं इसे पैसे दे रहा हूँ तो ये अपने अलग नखरे कर रही है। मेरे को बताओ कि करना क्या है। तू ठीक कह रही है अंकिता, आने दे प्रिंस को, वही अब फैसला करेगा और इसके अकल ठिकाने लगाएगा। लगता है प्रिंस आ गया। अरे माँ, भैया आप कब आए? अरे बेटा, मैं तो सुबह ही आ गई। अच्छा माँ, देखो कैसा होता है ना, आप गांव से घर आई हो, और घर से आज किसी को गांव जाना पड़ेगा। मतलब? अरे हाँ, मतलब अंकिता अपने मायके जा रही है ना। क्या मतलब प्रिंस, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए अंकिता, क्योंकि तुम्हें शायद मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, अपने आशिक के साथ रहना पसंद है ना? हाँ अंकिता, तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ दिन पहले जो अपने पुराने नौकर को निकाला था और इसे रखा था, वो क्यों? कभी पूछा तुमने? नहीं नहीं, फुर्सत कहाँ मिली होगी, अपने आशिक को सारा टाइम जो दे रही थी इसीलिए मैंने इसको रखा। ये नौकर नहीं, मेरा दोस्त है। मैंने इसे कहा कि तू सारी निगरानी रखना घर की, जो भी मेरी पीठ पीछे चल रहा है। और तब इसने बताया कि आपके जाने के बाद एक घर में लड़का आया था। मैंने बहुत कोशिश की टाइम पे घर पहुंचने की, लेकिन जैसे मैं पहुंचने वाला था उससे 10 मिनट पहले वो निकल गया और तू बच गई। और फिर मैंने सोचा प्लान कोई और आजमाते हैं, कि
तुम उसे सच में प्यार भी करती हो या नहीं। और हाँ, इसने कुछ पैसे भी दिए होगे ना तुझे, और मैंने कहा था देने के लिए, और तुम कुछ पैसों के बदले में सोने के लिए भी मान गई। इतना ही प्यार था मुझसे अंकिता, इसीलिए तुम मेरे साथ रहना डिजर्व नहीं करती। तुम जाओ अपने मायके में रहो, और मैं तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, समझी? तुम गलत समझ रहे हो, ये तुम्हें झूठ बोल रहा है। ये ना मेरी माँ मेरे बीच में भी लड़ाई करवा रहा था। माँ को भी मैंने ही बोला था ये सब करने के लिए, क्योंकि माँ भी मान नहीं रही थी कि तुम ऐसी हो या नहीं। माँ को भी लगता था कि नहीं, बहू तो बहुत संस्कारी है, देख लिए माँ संस्कार इसके। मुझे जिस दिन बात पता चली थी ना, उस दिन मैं बहुत रोया था। ऐसा लगा था कि शायद मैंने गलत लड़की से शादी कर ली है। पूरी दुनिया टूटती सी नजर आ रही थी मेरी। मुझे पहले लगा था जब तुमने कहा था ना कि गांव से शहर चलते हैं प्रिंस, वहां तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा, मुझे लगा मेरे बारे में सोच रही हो। लेकिन आज समझ में आया, मेरे बारे में नहीं, अपने आशिक के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वो शहर ट्रांसफर हो गया था उससे मिलने के लिए। सही है अंकिता, बहुत शातिर दिमाग चलाया तुमने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे कैसे माफ कर दूं अंकिता, मेरे में कैपेसिटी नहीं है। प्लीज चली जाओ यहां से, मुझे और मेरे परिवार को साथ में खुश रहने दो। प्लीज जा सकती हो। हाँ भैया, एक काम करो, इसका बैग ला के दो इसको, और इसको अगली बस में गांव भेजो। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो के जल्द से शेयर कर दो, प्यारा कमेंट कर बताओ वीडियो कैसी लगी, कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा तो प्लीज यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट से के बनाई है जो अपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे। तो कमेंट भर भर के कर दो, और यार प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर दो, जल्द से फॉलो बटन पर क्लिक कर दो, कर दो फॉलो यार अभी जल्दी से, और पूरी वीडियो देख लेना, शेयर कर दो, जल्द से शेयर बटन पर क्लिक करो, कर दो शेयर यार, लव यू ऑल। नहीं करी शेयर प्लीज, अभी बटन पर क्लिक करो, कर दो, लव यू ऑल।